महोबा में मिड डे मील खाने के बाद 15 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। छात्राओं पर भूत प्रेत का साया मानते हुए स्कूल में ही तांत्रिक द्वारा झाड़फूंक किए जाने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में झाड़फूंक का यह वीडियो सामने आने के बाद सभी लोग हैरत में हैं। ग्रामीणों का मानना है कि स्कूल के पास बने मंदिर में तांत्रिक विद्या की गई, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली 15 छात्राओं पर भूत प्रेत का साया हो गया है। आपको बता दें कि जनपद महोबा के पनवाड़ी विकास खंड अंतर्गत ग्राम महुआ में स्थित कन्या प्राइमरी विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। सभी छात्राओं को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। छात्राओं की बिगड़ी तबीयत के बाद स्कूल परिसर में तांत्रिक द्वारा झाड़फूंक किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ग्रामीणों का मानना है कि सरकारी स्कूल के पास बने मंदिर में तंत्र विद्या की गई, जिसका असर स्कूल में हुआ है और 15 छात्राओं पर भूत प्रेत का साया होने से उनकी तबीयत बिगड़ी है। यही वजह है कि तांत्रिक को बुलाकर छात्राओं का झाड़फूंक कराया गया, जिसका वीडियो एक ग्रामीण द्वारा बनाकर वायरल कर दिया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर में कैसे झाड़फूंक हो रही है, जबकि छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे थे और सभी छात्राओं को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद भी भूत प्रेत का साया मानकर छात्राओं पर झाड़फूंक की गई। कहीं ना कहीं ग्रामीण भी इसे भूत प्रेत का साया ही मान रहे हैं। इसके बाद से गाँव में दहशत है। वहीं शिक्षा के मंदिर में झाड़फूंक होने की तस्वीरें सामने आने के बाद से लोगों के जेहन में कई सवाल आ रहे हैं। आखिरकार 15 छात्राओं के मिड डे मील खाने के बाद बिगड़ी तबीयत में भूत प्रेत के साये की बात किए जाने से ग्रामीण और बच्चों में डर है। वहीं इस मामले को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी में तैनात डॉक्टर माहूर बताते हैं कि अस्पताल लाए गए बच्चों के सिम्टम्स अलग अलग हैं। किसी को सिर में दर्द है तो किसी को पेट में दर्द हो रहा है। सभी बच्चों ने मिड डे मील नहीं खाया है, कुछ ने मिड डे मील का खाना खाया है, बाकी की तबीयत घबराने से बिगड़ी है। सभी का इलाज किया जा रहा है, फूड पॉइजनिंग के लक्षण नहीं है। महुआ से करने वाले विद्यालय से 10 से 14 बच्चे यहाँ एकदम से एम्बुलेंस के साथ आए थे। प्राथमिक उपचार के दौरान पता चला कि कुछ बच्चों को एंजाइटी इशू थे, बच्चे बहुत घबराए हुए थे, कुछ बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत थी, कुछ बच्चों को सिर में दर्द की शिकायत थी। बच्चों से पूछने पर पता चला कि कुछ बच्चों ने मिड डे मील खाया था, कुछ बच्चों ने नहीं खा पाया था, पर सिम्टम्स सभी बच्चों में अलग अलग थे। अभी सबका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, सारे बच्चे ही नियमित मतलब आराम से हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी धीमे धीमे आराम मिलने पर पेरेंट्स की अनुमति मिलते ही उनको हम छुट्टी भी कर देंगे। सर टोटल सर कितनी संख्या है? टोटल 10 से 14 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ वार्ड में अभी भर्ती हुए। सर आपका नाम? डॉक्टर माहूर, CSC बनवाड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।